वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विद मी कौशिक की वटकर आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीजनेलिटी इंडेक्स एंड सीजनैलिटी स्कैनर ये स्कैनर या ये जो कॉन्सेप्ट है सीजनेलिटी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इन अ पर्टिकुलर मंथ अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं बताता हूँ अब जैसे कि इन मंथ ऑफ मे जून जुलाई और मे बी जून जुलाई एंड ऑगस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि बारिश हो सकती है इट्स अ मानसून सीजन और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हिसाब से हम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कि इन मंथ ऑफ में वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रेनी सीजनस हम रेन कोट्स अम्ब्रेला ये बाहर निकाल के रख देते हैं एज़ वी प्रोग्रेस और इन मंथ ऑफ नवम्बर डिसम्बर जैन एंड फेब लार्जली इट्स अ विंटर सीजन और विंटर सीजन में हमारे कुछ अलग तरीके के कपड़े हम यूज़ करते हैं हम वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं

अप्रैल एंड मे बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है तो हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं सिमिलरली इन मार्केट्स देर आर सीजन्स कुछ सेक्टर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर मंथ्स फेवरेबल होते हैं कुछ सेक्टर्स के लिए फेवरेबल होते हैं कभी कुछ स्टॉक्स के लिए कुछ महीने फेवरेबल होते हैं तो ये जो फेवरेबल टाइम है वेदर वहाँ पे फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस और फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ बेरिशनेस ये आइडेंटिफाई हो सकता है विथ हेल्प ऑफ सीजनैलिटी एंड सीजनैलिटी इंडेक्स बहुत कम सॉफ्टवेयर हैं जो सीजनैलिटी इंडेक्स का टूल अवेलेबल करते हैं बट इन ट्रेड पॉइंट एंड जोन वी हैव दिस फीचर अवेलेबल एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम सीजनैलिटी ऑफ अ स्टॉक और ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर तो एक ओवरऑल बड़ा सीजनैलिटी इंडेक्स हमें पता चल सकता है साथ में एक सीजनैलिटी स्कैनर भी है जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में बाइंग मोमेंटम या सेलिंग मोमेंटम आता है एक पर्टिकुलर मंथ में फिर हम उस सेक्टर का सीजनैलिटी इंडेक्स को भी स्कैन कर सकते हैं जिसमें हमें पता चल सकता है कि कौन से स्टॉक्स कितना परफॉर्मेंस देते हैं इन अ पर्टिकुलर मंथ सो दैट इज़ दी आइडिया सो लार्जली व्हेन वी कम टू सीजनैलिटी इंडेक्स पिछले डेटा को हम समझते हैं और उस हिसाब से फोरकास्ट करते हैं जैसे कि अब हमें एक बहुत ज़्यादा डेटा से हमें पता चला है कि एक तीन चार महीने जहाँ पर बारिश होती है ये तीन महीने जहाँ पर सर्दियों का मौसम है ठंड लगती है सो बेस्ड ऑन लॉट ऑफ पास डेटा वी कैन एनालाइज द वेदर कंडीशंस सिमिलरली इन मार्केट्स वी हैव टू एनालाइज अ लार्जर डेटा सेट टू आइडेंटिफाई टू कम टू अ कंक्लूजन कि इस महीने में इस स्टॉक में इस सेक्टर में पर्टिकुलरली बाइंग होती है या इस पर्टिकुलर सेक्टर में सेलिंग होती है तो हमें एक बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करना चाहिए अब सीजनेलिटी इंडेक्स के दो मेजर कॉम्पोनेंट हैं वन इज द पर्टिकुलर रिटर्न पर मंथ इज़ वन दैट इज जनरली अ परसेंटेज रिटर्न दैट वी कैन एक्सपेक्ट उसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दैट इज पॉजिटिवनेस विच वी कॉल इट एज पॉजिटिव बायस इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ मंथ देर आर ट्वेंटी ट्रेडिंग डेज लेटेस्ट अज्यूम देर इज अ पर्टिकुलर मंथ इन विच वी हैव ट्वेंटी ट्रेडिंग डेज इसका मतलब अगर हम एक महीने का प्राइज एक्शन कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसमें बीस स्कैंडल्स को हमें एनालाइज करना है वी कैल्कुलेट द पॉजिटिव रेशियो एंड नेगेटिव रेशियो इसका मतलब कि वो एक महीने में कितनी पॉजिटिव बुलिश कैंडल बुलिश क्लोजिंग मिली और कितने कैंडल्स की बेरिश क्लोजिंग थी तो इससे हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव बायस पता चलता है उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव रेशियोज भी बोलते हैं दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट इन अ मंथ हाउ मेनी टाइम्स दस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ गिवन अ पॉजिटिव क्लोजिंग एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ गिवन अ नेगेटिव क्लोजिंग नाउ इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट पर मंथ इफ यू हैव मोर पॉजिटिव क्लोजिंग्स प्लस पॉजिटिव रिटर्न एंड मे बी अ लार्जर पॉजिटिव रिटर्न दैट मीन्स दैट द ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव और वो सेक्टर वो जो स्टॉक है उस महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बट अज्यूम दैट देर इज लॉट ऑफ नेगेटिव बायस बट पॉजिटिव रिटर्न अब इसमें क्या हो जाएगा कि देर आर लेसर कैंडल्स विच आर पॉजिटिव विच आर ग्रीन विच आर गिविंग ग्रीन क्लोजिंग बट एवरेज रिटर्न इज ऑल्सो हाई सो इट इज़ वेरी एबनॉर्मल राइट क्योंकि इसमें मार्केट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं वो बहुत करेक्ट करके फिर बहुत कम कैंडल बहुत कम बुलिश कैंडल से बड़ी कैंडल से वो प्राइज वापस से ऊपर क्रॉस करके चला जाए सो दिस जनरली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बायस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हु आर डोमिनेटिंग एट वॉट पॉइंट इधर बायर्स आर डोमिनेटिंग और सेलर्स आर डोमिनेटिंग ये आइडिया हमें पॉजिटिव नेगेटिव बायस से पता चलता है

एंड द पीक साइकिल फॉर शुगर सेक्टर इज फ्रॉम ऑक्टूबर टू मिड ऑफ फेप यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर का बनने की कोशिश होती है क्योंकि एक रेनी सीजन हो जाता है उसके बाद हमारे पास शुगर केन आ जाते हैं शुगर केन वापस से फैक्ट्रीज में जाते हैं वेयर शुगर इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड सो इन अ लार्जर वे दैट्स अ फेवरेबल मंथ नाव वी नो दैट द सेक्टर इज़ फेवरेबल इन दैट पीरियड एंड इट गेट्स अ मैक्सिम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेल्स

in terms of buying is from post diwali to first of first month of any year which is jan so largely is period mein thodi si buying ho sakti hai to usme auto sector kaise perform karte hain hum wo check kar sakte hain so seasonality index can become handy in terms of stock price movement versus the sentiment that we have in the world कि अभी वो product का कितना purchase कितना sales हो रहा है.

यू विल गो टू आर जोन जब हम आर जोन में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और इसके ऊपर हमने अब बातचीत शुरू कर लिए सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू गो इज़ विल क्लिक ऑन सीजनैलिटी द मोमेंट वी क्लिक ऑन सीजनैलिटी वी हैव टू ऑप्शन वन इज सीजनैलिटी इंडेक्स एंड दे इज सीजनैलिटी स्कैनर तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स से सो वेन एवर वी वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडेक्स इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं सो इंडेक्स इज ऑलवेज कलेक्शन ऑफ डेटा सो कलेक्शन ऑफ डेटा कैन बी ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट वर्सेस इट कैन बी ऑन अ बास्केट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड सीजनैलिटी इंडेक्स तो मैं सीजनैलिटी इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ इट विल टेक मी टूअर्ड सीजनैलिटी इंडेक्स टूल अब यहाँ पे जाने के बाद हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का सीजनैलिटी इंडेक्स चेक करना चाहते हैं सो लेट मी स्टिक टू एन

और ये सारे डेटा को मैंने एनालाइज़ करते हुए मुझे ये पता चला कि 1996 में जैन मंथ में माइनस सिक्स परसेंट रिटर्न था इंडेक्स का फेब्रुवरी मंथ में 16 परसेंट का रिटर्न आया मतलब प्राइस जो है वो 16 परसेंट से अप्रिशिएट हुआ मार्च में वापस से मार्केट एक तरीके से फ्लैट रहा पॉइंट परसेंट इन मंथ ऑफ अप्रैल इट वॉज पॉजिटिव थर्टीन इन मंथ ऑफ मे इट वॉज माइनस सो एवरी मंथ हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न दैट इट हैज जनरेटेड

तो हम इसमें देखते हैं तो सीजनेलिटी इंडेक्स के हिसाब से पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट पॉजिटिव क्लोजिंग है इट इज़ शोइंग दैट देर इज सम सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन द मार्केट ड्यूरिंग दैट पीरियड विद दैट वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज पॉजिटिव रेशियो वर्स नेगेटिव रेशियो इसका मतलब क्या है जब हम जैन मंथ में जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव रेशियो इज़ फोर्टी थ्री परसेंट पॉजिटिव क्लोजिंग फोर्टी थ्री परसेंट मिली है एंड नेगेटिव क्लोजिंग इज फिफ्टी सेवन परसेंट दैट मीन्स फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ टाइम्स द द इंस्ट्रूमेंट हैज़ गिवन नेगेटिव क्लोजिंग द कैंडल इज़ नेगेटिव सो ये यहाँ से हमें एक आइडिया आ जाता है कि जितना पॉजिटिव बायस विद एन एवरेज बाइंग प्राइज इज़ अ इज़ अ गुड डेटा सेट टू वर्क ऑन अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं फिफ्टी सेवन परसेंट टाइम इन मंथ ऑफ अप्रैल निफ्टी फिफ्टी एज क्लोज पॉजिटिव विद दैट एवरेज परफॉर्मेंस इज़ टू परसेंट सो इट्स अ वेरी गुड साइन इन मंथ ऑफ अप्रिल वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मोवमेंट अब अगर हम आज के डेटा इस महीने के डेटा सेट पर आ जाते हैं बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन मंथ ऑफ सप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो आई एम गिविंग दिस रेफरेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ यू माइड बी वॉचिंग दिस वीडियो एट अ लेटर डेट सो हम ये सप्टेंबर मंथ में देख रहे हैं और सप्टेंबर मंथ में इफ यू सी देर इज फिफ्टी सिक्स परसेंट पॉजिटिव रेशियो मतलब फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द टाइम द मार्केट हैज गिवेन अ पॉजिटिव क्लोजिंग विथ 0.96 परसेंट पॉजिटिव रिटर्न्स. अब ये एक एवरेज डेटा है तो हमें एक लार्जर आइडिया मिल जाता है कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन अ पर्टिकुलर मंथ सो दिस इज फ्रॉम द सीजनैलिटी इंडेक्स नाउ गोइंग फॉरवर्ड इफ वी अंडरस्टैंड लेट अस सी द सीजनैलिटी इंडेक्स फॉर द मंथ ऑफ सप्टेम्बर फॉर डिफेंस राइट सो वी कैन गो ऑन एंड टाइप ऑन स्क्रिप्ट राइट और यहाँ से हमें काफ़ी सारे स्क्रिप्ट मिल सकते हैं हमें अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वी कैन टाइप इन निफ्टी वी हैव ऑल द इंडेक्सेस विच आर अवेलेबल क्या आप इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप सो लेट मी ओपन निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड लेट मी स्कैन दिस अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 2019 थाउजेंड से इसका डेटा है हमारे पास एंड वी कैन सी द एवरेज परफॉर्मेंस यूर इज द पॉजिटिव इन मंथ ऑफ सप्टेम्बर द रिटर्न इज पॉजिटिव थ्री पॉइंट वन एट परसेंट पॉजिटिव है फ्राम टू थाउजेंड नाइन्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब क्योंकि इसका डेटा कम है सिर्फ पाँच साल का डेटा है सो वी कैनॉट कंक्लूड इट बेटर आइडियली द सीजनैलिटी इंडेक्स शुड बी सीन ओवर ट्वेंटी ईयर्स अगर लास्ट बीस साल का डेटा है तो एक बहुत अच्छा आपको सीजनैलिटी इंडेक्स समझ में आ सकता है एंड टू दैट इफ द सेक्टर और इफ़ द स्टॉक इज सिक्लिकल देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ लॉजिकल पॉइंट्स टू वर्क ऑन कि अगर एक सेक्टर है एक पर्टिकुलर मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स देता है हर बार पॉजिटिव रिटर्न्स देता है देन यू कैन लुक एट बाइंग ब्रेकआउट्स बट इफ द इफ इन अ पर्टिकुलर मंथ द द रिटर्न इज नेगेटिव और वो स्टॉक में ब्रेकआउट आ जाता है देन यू हैव टू बी कॉशियस तो जितनी आप आपकी हंड्रेड परसेंट पोजिशन साइजिंग होगी तो शायद आप उसमें रिड्यूस करके कर सकते हो सो दिस इज अ थॉट ऑन विच यू कैन वर्क ऑन कि सीजनैलिटी इंडेक्स कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द लार्जर मार्केट सेंटीमेंट कि इस महीने में वो सेक्टर वो स्टॉक या वो कैसे बिहेव कर सकता है सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा दैट वी हैव एंड विद एन अजम्पशन कि जो पास्ट डेटा का जिस तरीके से चला है उसी तरीके से शायद स्टॉक परफॉर्म करेगा या वो सेक्टर परफॉर्म करेगा बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो पास्ट में परफॉर्मेंस हुआ है वो वापस से परफॉर्म होगा ही सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दिस दिसकॉन्सेप्ट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कंपलसरी फ्यूचर में वैसे ही रेप्लीकेट करेगा दिस इज अ ब्रॉडर जजमेंट दैट यू आर एबल टू बिल्ड नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड सीजनेलिटी स्कैनर तो सीजनेलिटी स्कैनर में आ जाते हैं आई एल अगेन क्लिक ऑन सीजनैलिटी एंड आई एल क्लिक ऑन सीजनैलिटी स्कैनर वेन आई क्लिक ऑन स्कैनर दिस इज हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच आर देयर इन अ बास्केट फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विथ बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स कि जिनका इंडेक्स नहीं बना हुआ जैसे ये बहुत सारे आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, अब बहुत सारे का इंडेक्स नहीं है निफ्टी का इंडेक्स नहीं है बट वॉट वॉट एज हैज़ डन दे हैव क्रिएटेड द ओन यूनिवर्स और मे बी ओन बास्केट ऑफ स्टॉक्स जैसे निफ्टी डिफेंस करके कोई इंस्ट्रूमेंट कोई सेक्टर नहीं है तो एज में आपको डिफाइन एज का डिफेंस एक सेक्टर मिल जाएगा सो so, लेट मी क्लिक योर गो टू डिफाइन एच डिफेंस सो दिस इज डिफाइन एज डिफेंस सेक्टर तो जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसमें एक एक साथ हमने इसको बास्केट कर लिया है एंड आई वॉन्ट टू चेक द परफॉर्मेंस इन मंथ ऑफ सप्टेंबर इसके साथ मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ सो आई हैव गॉट थ्री स्टॉक्स लेट मी सी द एवरेज परफॉर्मेंस अब ये ओवर पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इसका डेटा एनालाइज किया है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन मंथ ऑफ सेप्टेंबर बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड सप्टेंबर योर बी डी एल ये स्टॉक है जिसका मंथली परफॉर्मेंस इज माइनस फाइव पॉइंट वन परसेंट तो हर सितंबर के महीने में ये एक नेगेटिव रिटर्न देता है विथ अ मंथ मंथ पॉजिटिव रेशियो मतलब सिर्फ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री कैंडल्स बुलिश है इसका मतलब मैक्सिमम कैंडल्स ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवन परसेंट कैंडल्स नेगेटिव बनती है पूरे महीने में अब बी डी एल ये स्टॉक को हम ओपन करते हैं सो लेट मी गो टू बी डी एल स्टॉक सो वॉट आई डू इज आईल क्विकली क्लिक ऑन जोन मैं यहाँ पर एक नया पेज ओपन कर रहा हूँ सो आई एम गोइंग योर एंड लेट मी ओपन बी डी एल स्टॉक सो बी डी एल मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन एन एस सी नाउ वी हैव अंडरस्टुड वी आर चेकिंग द मंथली सो मंथली सीजनेलिटी इंडेक्स सो लेट मी शिफ्ट दिस टू मंथली तो हम मंथली चार्ट में आ गए और हम ऑब्जर्व करते हैं ये जो सितंबर महीने में कैंडल देखो ऑलरेडी बेरिश कैंडल बन रही है विथ अ हायर विक विच इज सजेस्टिंग देर इज़ अ सेलिंग प्रेशर तो इसी महीने में अब सेलिंग की शुरुआत हो गई इफ वी सी योर फॉर दिस मंथ वी आर ऑलमोस्ट नेगेटिव इन टर्म्स अब इसके लास्ट सितंबर में और सितंबर का डेटा एनालाइज करते हैं तो सप्टेंबर इन मंथ ऑफ सप्टेंबर ट्वेंटी दिस इज अ बुलिश कैंडल तो पॉजिटिव क्लोजिंग है और थोड़ा सा पीछे जाते हैं इन ईयर 2021 लेट अस सी सितंबर इट्स अ नेगेटिव कैंडल अगर ये कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे दिस इज़ अ नेगेटिव कैंडल और थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड अस अगेन फर्दर एनालाइज दिस इज़ मंथ ऑफ सितंबर अ नेगेटिव कैंडल तो सीजनेलिटी इंडेक्स से ये समझ में आ रहा है कि बी ये जो स्टॉक है वो सितंबर मंथ में करेक्ट करता है और इसका लार्जर करेक्शन है पाँच परसेंट का अब इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं वी हैव एच एल एज अ स्टॉक हैज़ अ मंथली नेगेटिव ऑफ़ माइनस टू पॉइंट फोर फोर परसेंट मतलब इन मंथ ऑफ सप्टेम्बर एच एल ये जो स्टॉक है वो नेगेटिव क्लोजिंग देता है और उसके बाद पॉजिटिव रेशियो फिफ्टी फिफ्टी इसका मतलब अगर एक महीने में ट्वेंटी ट्रेडिंग डेज है तो आउट ऑफ विच टेन आर गिविंग बुलिश क्लोजिंग टेन कैंडल्स आर गिविंग बुलिश क्लोजिंग ऑफ डेली टाइम फ्रेम एंड टेन कैंडल्स ऑफ वी आर गेटिंग बेरिश क्लोजिंग ऑफ टेन कैंडल्स ऑन डेली टाइम फ्रेम तो ये एक लार्जर आइडिया है अब इसके बाद एच ये स्टॉक को हम ओपन करते हैं और इसको मंथली चार्ट पे देखते हैं सो लेट मी क्लिक हियर एंड लेट मी ओपन एच अब एच ओपन करने के बाद लेट मी सी हियर इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर सो लार्जली ये कैंडल में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऊपर की साइड में एक विक है विच इज शोइंग सम सेंस ऑफ सेलिंग अब इसके बाद एक और इधर चलते हैं इधर भी सितंबर मंथ में हमें हमेशा ऊपर से सेलिंग आई है विथ अ वेरी नॉमिनल क्लोजिंग लेट अस फर्दर गो बैक एंड अंडरस्टैंड दिस इज़ मंथ ऑफ सितंबर वेयर वी हैव गॉट अ नेगेटिव क्लोजिंग लेट अस फर्दर गो बैक एंड सी यहाँ पे ये सितंबर महीने की कैंडल है विच इज़ अ नेगेटिव क्लोजिंग सो सीजनैलिटी इंडेक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एवरी सप्टेंबर मंथ कैंडल वह हर सप्टेंबर मंथ की कैंडल को पिक करेगा और चेक करेगा द सॉफ्टवेयर विल चेक

अब हर महीने के ट्रेडिंग डेज थोड़े बदल सकते हैं किसी में ट्वेंटी टू ट्रेडिंग डेज हो सकते हैं किसी में ट्वेंटी थ्री हो सकते हैं सो एम फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ फ्लैट की हमारे लिए ट्वेंटी ट्रेडिंग डेज ये बट दिस विल टेक केयर द सॉफ्टवेयर विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ्स ट्रेडिंग डेज नाउ द द रेशियो इज फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मैं यहाँ पे जाके पारस चार्ट ये ओपन कर लेता हूँ सो लेट मी क्लिक योर एंड ओपन पी ए आर ए एस सो पारस स्टॉक मैंने ओपन किया एंड लेट मी अंडरस्टैंड दैट दिस मंथ इट्स अ पॉजिटिव क्लोजिंग गोइंग बैक दिस इज़ द मंथ ऑफ सप्टेम्बर थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग है इसके बाद और थोड़ा पीछे जाते हैं सो so, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो मार्केट में लिस्ट हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी वन अक्टूबर में तो उसके बाद से जो डेटा अवेलेबल है वो भी हमारे सामने है तो ये बहुत कम डेटा है टू एनालाइज़ लेट अस गो फॉरवर्ड एंड एनालाइज समथिंग एल्स अस एनालाइज समथिंग बेस्ड ऑन अ डिफरेंट सेक्टर सो लेट मी ओपन शुगर सेक्टर क्योंकि शुगर सेक्टर का हमने एग्जाम्पल लिया और वो सिकलिकल स्टॉक भी है अब हम ये देखते हैं इन मंथ ऑफ सप्टेम्बर हाउ डज दिस सेक्टर परफॉर्म तो दिस इज गोइंग टू चेक ऑल द स्टॉक्स फ्राम दिस सेक्टर अब ये क्योंकि शुगर एक ऐसा सेक्टर अवेलेबल नहीं है तो डिफाइन के ये ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर में यू हैव दिस इंडेक्स पॉल मेड फॉर यू सो दिस नॉट एन इंडेक्स इट्स अ ग्रुप कि जितने भी शुगर रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे एक साथ आ गए एंड इसका एक बास्केट बना दिया सो दैट द टूल्स लाइक सीजनेलिटी इंडेक्स एंड अदर सॉफ्ट अदर टूल्स कैन वर्क वेरी वेल अब इसमें मैं रैंडमली कुछ स्टॉक्स ओपन करता हूँ लेट मी ओपन एवरेज इसको मैंने नेगेटिव ओपन कर लिए एंड लेट मी सी द फर्स्ट स्टॉक विच इज़ डी सी एम लेट मी ओपन दिस सो सो वी हैव दिस स्टॉक ओपन अब इसका हमारे पास डेटा है फ्रॉम ईयर 2021, 2021 के बाद से डेटा है तो ये भी बहुत कम डेटा है टू एनालाइज लेट मी ओपन सम मोर स्टॉक्स जिसमें थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव बायस है लेट से मगध शुगर इसको ओपन करते हैं इट हैज़ गिवन 17 परसेंट पॉजिटिव रिटर्न सो लेट मी ओपन मगध शुगर्स सो यहाँ पर हम जाएंगे एम ए जी ए डी मगध शुगर एन के डेटा में नाउ वी हैव सफिशेंट डेटा योर सो द सिमिलरली वी ऑब्जर्व ही इन मंथ ऑफ सप्टेंबर वी हैव अ पॉजिटिव कैंडल उसके बाद इस सप्टेंबर में थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग था बट इफ वी गो ह्योर दिस इज अ पॉजिटिव क्लोजिंग गोइंग फॉरवर्ड इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग तो हम जितनी बार भी पीछे जा रहे हैं एवरी सप्टेंबर ये मंथ को हम एनालाइज कर रहे हैं वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लोजिंग सो बेस्ड ऑन इट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द सेक्टर इज परफॉर्मिंग सो दिस इज लार्जली फ्रॉम वॉट इज सीजनलिटी इंडेक्स एंड सीजनेलिटी स्कैनर अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमें ट्रेड पॉइंट प्रो में प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे सो विल ओपन ट्रेड पॉइंट प्रो यहाँ से हम मेट्रिक्स में जाएंगे इन मेट्रिक्स वी हैव समथिंग कॉल्ड सीजनैलिटी इंडेक्स तो जो सीजनैलिटी इंडेक्स हमें आर जोन में वहाँ जाके मिल रहा था द सिमिलर कॉन्सेप्ट वर्कस यूर यू हियर यू हैव वन मोर एडवांटेज कि आप मंथ वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो प्लस आप वीक वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो सो लेट से इफ़ आई हैव टू ओपन निफ्टी फिफ्टी चार्ट तो मैं यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी ओपन करता हूँ और मैं इसको वीक पे क्लिक कर देता हूँ सो इंस्टेड ऑफ मंथ आई विल गेट ऑल द डेटा वीक वाइज बिकॉज इट्स अ ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप टर्मिनल सो इट इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज लॉट ऑफ हैवी डेटा सो हैवी डेटा कैन बी कंप्यूटेड इन ट्रेड पॉइंट प्रो और अगर आपको मंथली टाइम फ्रेम में कुछ डेटा चाहिए तो वो आपको आर जोन में मिल सकता है सो एवरी वीक इट कैन एनालाइज एंड इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कितना पॉजिटिव रेशियो था कितना नेगेटिव रेशियो था और एवरेज परफॉर्मेंस क्या है बाई वीक बाई वीक एनालाइजिंग एवरीथिंग सो इफ़ यू सी देर आर कपल ऑफ वीक्स इन मंथ ऑफ वीक फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू सो फोर्टी सेवन टू फिफ्टी टू में हमेशा हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है सो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन एनालाइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड इफ यू सी वीक ट्वेंटी वन सो फ्रॉम वीक ट्वेंटी वन से लेके ऑलमोस्ट टिल वीक ट्वेंटी सेवेन वी हैव पॉजिटिव क्लोजिंग सो लार्सटली दिस दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ यू कैन बिहेव और यू कैन वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फ्राम द मार्केट्स सीजनेलिटी इंडेक्स एक तरीके से फोरकास्टिंग टूल है हम फोरकास्ट कर सकते हैं दिस इज नॉट द ओनली बेसिस ऑन विच यू शुड ट्रेड प्राइज एक्शन चार्ट्स आर द फाइनल वर्डिक्स दैट यू शुड फॉलो सीजनैलिटी इंडेक्स आपको एक लार्जर फोरकास्ट बता सकता है कि बारिश होने वाली है तो वो बारिश के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो अम्ब्रेला या तो एक छाता छाता है या तो रेनकोट है वो लेकर निकलो इफ़ इट्स विंटर्स यू नो दैट यू हैव टू वेयर अवर कोट राइट सिमिलरली सीजनैलिटी इंडेक्स एज एन इंडिकेटर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जून जुलाई अगस्त का महीना है तो बारिश हर रोज़ होगी ज़रूरी नहीं है सो सीजनेलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो इट गिव्स यू अ जनरल मार्केट सेंटिमेंट कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि पास्ट में ये चीज़ हुई है तो इस बार भी वैसी कुछ चीज़ हो सकती होगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है सो so, हमें प्राइज एक्शन उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एनालाइज़ करना चाहिए देर आर फ्यू थाट्स विच आई वॉन्ट यू टू कैरी वन इज़ कैन सीजनेलिटी इंडेक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी कम्बाइन टुगेदर एंड कैन अ ट्रेड सेटअप बी जनरेटेड बिकॉज if you have a positive bias and if the sector is also outperforming can we get a early signal ki ha ye jo relative strength ka outperformance hai aur seasonality hand in hand ja rahe so you should use seasonality index with concepts which complement kya hum ye bhi check kar sakte hain ki jab ek mahine mein negative returns aa rahe hain uske sath kya rs bhi negative ja rahe so relative strength के बहुत एक wide concept है, you can use relative strength

आप मुझे बताओ कि आप सीजनैलिटी इंडेक्स को आप कैसे यूज़ करेंगे आपके चार्टिंग में आपके एनालिसिस में इन द कमेंट सेक्शन आई एल रीड ऑल दोज कमेंट्स एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ सीजनैलिटी इंडेक्स फॉर योर एनालिसिस सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विद मी कौशिक की